अपनी हवस को मिटाने के लिए पशुओं को भी शिकार बनाने वाले आरोपी को हमीरपुर कोर्ट ने 6 साल की कठोर कारावास के साथ 10,000 रूपये का जुर्माने की सजा सुनाई है, तो साथ में 1,00,000 रूपये भैंस मालिक को देने का फैसला सुनाया है। अब प्राकृतिक यौन संबंध बनाने पर दोषी को सीजीएम अभय मंडियाल ने दोषी प्यारचंद पुत्र हरिराम निवासी बडेहर भोरंस को धारा 370 IPC के तहत दर्ज मामले में दोषी सिद्ध होने पर सजा सुनाई है। बता दें कि आरोपी प्यारचंद ने 29 अगस्त 2011 को जगन्नाथ शर्मा की पशुशाला में घुसकर भैंस के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए, जिस पर भोरंस थाना में मामला दर्ज करवाया गया था। मुकदमे की तफ्तीश हेड कांस्टेबल करमचंद ने की थी और दोनों भैंसों के बच्चों को मेडिकल करवाया गया, जिसमें अप्राकृतिक जुर्म होने की पुष्टि हुई है। सरकार की ओर से इस केस में 13 गवाह पेश किए गए हैं। उप न्यायवादी अनुज शर्मा ने बताया कि आरोपी प्यारचंद का अप्राकृतिक जुर्म में दोषी करार पाए जाने पर 6 साल की कठोर कारावास और 10,000 रूपये जुर्माना और 1,00,000 रूपये भैंस मालिक जगन्नाथ शर्मा को देने का फैसला अदालत ने सुनाया है। माननीय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री अभय मंडियाल जी ने दोषी प्यारचंद को धारा 370 के तहत जो है सजा सुनाई है। इसमें मामला ये था कि 29/8/2011 को जगन्नाथ शर्मा ने पुलिस चौकी जाहू में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28/8/2011 को उसकी पशुशाला में दोषी ने जो है घुसकर उसके जो पशुओं के साथ जो है अप्राकृतिक जो है अननेचुरल ऑफेंसिस को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जो है अमल में लाई। और दौरान इन्वेस्टिगेशन जो है जब पुलिस ने उन पशुओं का जो है मेडिकल करवाया तो उसमें इसकी पुष्टि होगी कि आरोपी ने जो है जो अननेचुरल ऑफेंस को जो है अंजाम दिया है, जिस पर जो है माननीय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसको दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा व जुर्माना लगाया है। इस मामले में दोषी को 6 साल का कठोर कारावास व 10,000 रूपये जुर्माना तथा 1,00,000 रूपये जो है मुआवजा जो है कम्प्लेनेंट को देने के माननीय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए हैं।